आज ब्लॉग की शुरुआत मैं इवनिंग टी के साथ कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने अदर काम को सारा निपटाया है, सारी चीज़ें करी हैं, क्योंकि आज मैं देने वाली हूँ हाउस टूर, जिस जो एज़ पर योर रिक्वेस्ट, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे कब से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाई देती हूँ। बट नाइट को मैं आपको सारा अपना यहाँ का व्यू, आपने दिन का तो देख रखा है, तो मैं आपको अपना नाइट का रूटीन भी दिखा दूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा उसका व्यू भी दिखा दूँगी। तो अभी का तो व्यू इस तरह से है, जस्ट अभी बारिश भी हुई थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठंडी हवाओं के साथ हम थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। तो बस अभी चाय हमारी चल ही रही है, पी रहे हैं। तो बस आपको मैं यही बता रही थी कि मैं आज हाउस टूर करने वाली हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए टू बी कंटिन्यू। तो गाइस, ये है मेरा हॉल, ये है मेरा एंट्रेंस, यहाँ पर मेरा बच्चा खेलता है, तो इसकी खिलौने की चीज़ें भी यहाँ पर पड़ी हुई है, साइकिल भी पड़ी है, वो दिन भर खेलता ही रहता है, तो फिर हम यहीं पर ही उसकी चीज़ें रख देते हैं। ये है मेरा टीवी सेक्शन, ये है सोफा, सीलिंग लाइट्स फैंस बहुत अच्छे हैं, इससे मतलब हम लोगों को मतलब इतना अच्छा लगता है। यहाँ की जो छोटी छोटी जो लाइट्स हैं, यहाँ की स्पेशल लाइट्स जो चाइनीज़ लाइट्स होती हैं, वो हमको बहुत अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है। तो बस अब वहीं पर हम आप बालकनी दिखा रहे हैं, इसका व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर आगे जाके आपको बालकनी दिखेगी। और ये है मेरी किचन, ये है फ्रिज, ये है माइक्रोवेव, और थोड़ी सी बॉटल्स वगैरह मैंने साइड में रख रखी है, पानी पीने पीते जाएंगे और यहाँ पे रखते जाएंगे। ये है मेरे कबर्ड्स, ये है सिंक, यानी एक हमारे पास दो किचन अवेलेबल है, जो कि बाहर हमारे सिंक है। सो ये है मेरी सेकंड किचन, जहाँ मेन किचन जहाँ पर मैं सब कुछ बनाती हूँ। ये है वॉशिंग मशीन, इधर वाले एरिया में वॉशिंग मशीन भी दे रखी है, क्योंकि ये एक्चुअली ड्रायर एरिया है, बट यहाँ किचन भी इन लैंडलॉर्ड ने यहाँ पे अवेलेबल कराती है, गैस वगैरह यहाँ पर मैं खाना वाना बनाती हूँ। ये है मेरा कुकटॉप, जो कि 3 का बर्नर है, इसके नीचे भी कबर्ड्स दे रखी है, गैस सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए हैं। और ये है मेरा मास्टर बेडरूम, जो कि यहाँ पे सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, यहीं पर ही मेन तो हम यहीं पर ही सोते हैं ज़्यादातर, नाइट में भी और डे में भी। सो ये है मेरा मास्टर बेडरूम। और जो गेट दिख रहा है वहाँ पर है हमारा अटैच लैट बाथ, और हमारे एक और टीवी है, सेकंड टीवी जो हमने रूम में ही लगा रखी है। और ये है हमारा सेकंड बेडरूम, यहाँ पर ओपन कबर्ड दे रखे हैं, यहाँ पे क्वीन साइज बेड दे रखा है, फर्स्ट वाले बेडरूम में हमारा किंग साइज बेड था और यहाँ पर क्वीन साइज है, यहाँ पे गेस्ट वगैरह यहाँ पर सो सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे ओपन कबर्ड दे रखे हैं, जो कि काफ़ी क्लीन की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग की,
क्योंकि मिट्टी वगैरह यहाँ पर आती रहती है, तो ओपन कवर्ड बेनिफिट भी देता है और थोड़ा लॉस भी होता है इसके लिए। और बेड के पीछे एक विंडो है जो कि पीछे का एरिया देखने के लिए सही रहता है। इसमें भी एसी लगा हुआ है, यहाँ पर प्रिंटेड वॉल्स हैं। और ये है हमारा थर्ड बेडरूम। एक्चुअली है तो ये बेडरूम ही, बट हमने एज ए स्टोर इसको रख रखा है। और यहाँ पे थोड़ा पूजा घर भी बना रखा है, जहाँ पे मैं डेली इवनिंग और मॉर्निंग में पूजा करती हूँ। और ये है हमारी मेन प्यारी मेरा फेवरेट कॉर्नर बालकनी। यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, बहुत अल्टीमेट व्यू होता है। और रात का आप देखिए कितनी लाइटिंग है, कितना पीसफुल यहाँ का नेचर है, यहाँ का कितना अच्छा वेदर है। तो इतना ब्यूटीफुल वेदर देख के तो किसी का भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे लॉकडाउन है, बट यहाँ पे लॉकडाउन के बाद भी इतनी भीड़ रहती है कि आजकल 12 बजे तक भी यहाँ पे व्हीकल वगैरह चलते रहते हैं। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा होम टूर? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे होम टूर में आपको क्या चीज़ें और अच्छी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए और मैं आपको अपने नए व्लॉग्स में नई नई चीज़ें बताऊंगी, नई नई बातें बताऊंगी। तो मिलते हैं हम आपको नई व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई वाइब्स के साथ। तो आप तब तक के लिए मेरे व्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर देना मत भूलिएगा गाइस। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं हम कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।